व्यूअर्स, हम अपने बछड़े के पास पहुंच चुके हैं, बैल के पास। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू सऊ व्लॉग्स। आप लोगों का बहुत ज्यादा शुक्रिया, आप हमारी वीडियोस देखते हैं। पिछला हफ्ता तो बहुत ज्यादा मसरूफ था और पिछले हफ्ते में तकरीबन सोमवार को 24 घंटे थे और फिर मंगल वाले दिन वही हम गए तो तकरीबन 2-3 बजे वहाँ से आए और बुध को फिर ड्यूटी थी, जुमेरात को ऑपरेशन थिएटर और फिर जुमे वाले दिन एमरजेंसी। उस दिन तो मैंने वीडियो भी लगाई थी, किसी ने देखी है तो वो ज़रूर कमेंट करके बताएगा कि सर्जन का लंच। और फिर संडे स्पेशल संडे था, कल फिर 24 घंटे थी, तो इस हिसाब से पूरा हफ्ता इस तकरीबन वार्ड के अंदर गुजरा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो है ना हम अब फ्री हैं, बस सिर्फ राउंड है और बेगम साहब आज खुश हो रही हैं। आज हम बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि ये वाला हफ्ता हमारा नॉन ऑपरेटिंग है और हम बहुत मजे से गुजारेंगे, आराम से घर में चिल होके एंजॉय करके। वाह जी वाह, मजे हुए खड़े हैं इनके तो हर तरह से मजे हैं। ये इन्होंने एक कूलर मंगवा लिया स्पेशल चाइना से अलीबाबा एक्सप्रेस के थ्रू और ये इनका एसी लगा खड़ा है। इनकी तो हर तरह से इस तरह सही समर जा रहा है। हाँ, क्या खुशी, ज्यादा गर्मी होती है तो मैंने कहा कि हर वो चीज होनी चाहिए जिससे आप गर्मी का खात्मा कर दो। इनके तो भाई मजे हुए हैं, इनका तो कूलर भी आ गया और जो है ना एसी भी लग गया और कूलर भी आ गया, तो हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि मैंने आप लोगों को एक दफा लास्ट वीडियो में टेक होम मैसेज दिया था कि हमारा जो है कि ना पानी की कमी हो जाती है, लोग बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट हो जाते हैं तो पानी बहुत ज्यादा पीना चाहिए और इसलिए हमने कूलर रखवा ली है और अब हम दिन रात उसमें पानी पीते रहते हैं। और इनके लिए मैं एक और खुशखबरी दे दूं, हमारा कुर्बानी का जानवर आ गया है, ठीक है, एक नहीं दो जानवर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कल वो इरफान भाई से बात हुई थी तो वो कह रहे थे कि एक जो है ना बछड़ा लिया है, ठीक है, यानी बैल लिया है और दूसरा ये कि एक बकरा लिया है। बकरा तो स्पेशली इनके लिए लिया है क्योंकि ये गाय का गोश्त खाती नहीं है। हाँ, तो मैं शौकीन हूँ मटन की। हाँ, मटन लवर है। तो फिर हम वो आज जाएंगे अपने जानवर वगैरह देखेंगे, वो भी हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। तो आज फिर बहुत ज्यादा होने वाला है मजा और हम आज फुल एंजॉय करेंगे क्योंकि हमारा नॉन ऑपरेटिंग वीक है, तो हमारा नॉन ऑपरेटिंग वीक में हम मजे करते हैं और ऑपरेटिंग वीक में हम जैसे कि सर्जन है तो हम होते ही हॉस्पिटल में। हाँ, नॉन ऑपरेटिंग वीक में हम जलील होते हैं, बहुत ज्यादा काम होता है, बस आओ खड़े रहो, 4-4 घंटे का ऑपरेशन चल रहा है, 5 घंटे का ऑपरेशन चल रहा है, बस बंदा खड़ा 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 पांव सूज जाते हैं, बस यही सीन होता है हमारा। बाकी इन्होंने शॉपिंग करनी है, तंग करी खड़ी है, पैसे लगवाएगी माल शाल। वो तो ऑफ कोर्स वाली बात है, वो भी हम आज जाएंगे कल जाएंगे, कल कल जाएंगे, नहीं नहीं कल 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 जाएंगे, कल आज नहीं, आप हाथ खोला रखो, आज ही जाएंगे और आप मुझे कराएंगे बहुत सारी शॉपिंग। ये इन्होंने बहुत ज्यादा शॉपिंग करी है, वैसे बड़ी ईद पे कोई शॉपिंग नहीं होती। होती है शॉपिंग, लड़कियों की हर ईद पे शॉपिंग होती है। नहीं 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 नहीं, जब बीवर साहब ने बताना है छोटी ईद पे शॉपिंग होती है, बड़ी ईद पे सिर्फ कुर्बानी के जानवर होते हैं, कोई शॉपिंग नहीं होती, कोई ज्यादा सूट शूट नहीं लेता। बड़ी ईद पे क्या लड़कियां तैयार नहीं होती है, लेकिन बड़ी ईद पे शॉपिंग कौन करता है, वही छोटी ईद वाले बंदे कपड़े पहन लेते हैं। होती है शॉपिंग, छोटी ईद वाले कपड़े अब याद भी नहीं है कौन से कपड़े थे, कहाँ गए कहाँ नहीं गए, वो फट फूट गए। चलो आप गाड़ी में चलते हैं अभी हॉस्पिटल। व्यूअर्स, ये हमारी खूबसूरत सोसाइटी है और अब हम जो है ना अपने हॉस्पिटल की जाने में रमा दमा है आज, लेकिन बहुत ही सुकून प्रोग्राम है। क्या टाइम है डॉक्टर साहब? टाइम है जी 8:59 और ऑलरेडी हम बहुत ज्यादा लेट है। जा रहे हैं बस रमा दमा। व्यूअर्स, ये रोड मेरे गांव को जाती है और जिन जो लोग जर्द पत्तों का बन ड्रामा देख रहे हैं उन लोगों को पता होगा कि ये इधर ही इन खेत खलियानों में जो है ना उधर सारी शूटिंग हुई थी और अभी तो ये फसल सारे खत्म हो गए हैं क्योंकि यहाँ पे सूर्यमुखी का फसल था और वो ख़त्म हो गए, यहीं इसके आसपास ही सारा यहाँ पे शूट हुआ था। वो सामने एक मस्जिद है उसमें शूट हुआ था और जो है बाकी एक बड़ी मस्जिद आती है उधर उसमें शूट हुआ था, वो सामने एक मस्जिद नजर आएगी आपको बड़े वाली। इस व्यूअर्स, हम अपने बछड़े के पास पहुंच चुके हैं, बैल के पास, और ये शेख मोहम्मद इरफान साहब हैं जिसका मैंने पहले आपको वीडियो बताया था, तीसरे हमारे भाई हैं और बहुत ही मेहनती इंसान है और जिम्मेदार किस्म के इंसान है। अभी ये बताएंगे कि इन्होंने कितने का लिया है और इसका क्या कहाँ से लिया है और कब लिया है। जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये हमें हो गए तकरीबन कोई आज से 10-15 दिन लिया है। अच्छा,
90,000 रुपए का। हाँ। बड़ा सस्ता लिया यार। जी इस साल बहुत मंदा है। मंदा है, अच्छा। बहुत व्यापारी भी नहीं घूम रहा और जमींदार के पास माल भी बहुत कम है। अच्छा, तो इसलिए ये सस्ता मिला। अगर हाई होता तो ये तकरीबन 1,20,000 का होता। अच्छा, 1,20,000 रुपए का होता। अच्छा, कितना वजन होगा इसका? इसका तकरीबन डॉक्टर साहब 3.5 मन पक्का। 3.5 मन। अच्छा, बहुत मंदा हो गया यार। 3.5 मन इतना है। अच्छा, ये कहाँ से लिया? ये इधर ही साथ वाली बस्ती से लिया है। अच्छा, सही सही सही, 3.5 मन होगा। और इसके मतलब 7 इसे पूरे होंगे। किस किस का हिस्सा रख रहे हो इस दफा? बड़ा जानवर होता है उसके 7 हिस्से होते हैं। अच्छा, अच्छा, मेरा भी हिस्सा। वाह भाई वाह। अच्छा, हजूर पाक का होता है। अच्छा, इसी तरह ये 7 हिस्से पूरे किए। सही 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 सही। और आजकल क्या खाद खुराक दे रहे हो उसको? कोई खास खुराक? ईद का कुर्बानी का जानवर है। घास अभी थोड़ा सा डाल रहे हैं। अच्छा, घास अभी है, तैयार नहीं है, मामू से काट के ले आते हैं और इसके साथ इसको वंडा खिलाते हैं थोड़ा सा। अच्छा, बड़ा खूबसूरत और बड़ा सस्ता जानवर लिया। बड़ा अच्छा जानवर है। मंदा चल रहा है ना, इसलिए मंदा चल रहा है। सही 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 सही। और जो मुझे बकरा दिया वो कहाँ है? वो तो दिखाओ यार। बकरा ये कर रहा है। अच्छा, कहाँ है ये जानवर? डर रहे हैं अभी। ये कौन सा? ये वाला है। अच्छा, ये वाला है। अच्छा 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 अच्छा, सही मिल गया। ये भी बहुत अच्छा है, जबरदस्त है। अब मतलब 2 जानवरों की हम कुर्बानी कर रहे हैं। जी, अच्छा, सही हो गया, सही हो गया। चले व्यूअर्स, आपने हमारा कुर्बानी का जानवर देख लिया। आप लोगों का बहुत ज्यादा शुक्रिया, आप हमारी वीडियोस देखते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।